प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा के संदिग्ध मौत प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बुधवार को ब्यावर न्यायालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों की ओर से की गई एक दिवसीय हड़ताल के कारण ब्यावर शहर के सभी न्यायालयों में कोई कामकाज नहीं हुआ। न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बुधवार को सभी न्यायिक कर्मचारी न्यायालय परिसर में एकत्रित हुए तथा जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी की मौत पर आक्रोश प्रकट करते हुए कर्मचारी एकता जिंदाबाद तथा आवाज दो हम एक है के नारे लगाए। इस दौरान न्यायालय परिसर स्थित शिव मंदिर पर एकत्रित हुए कर्मचारियों ने सुंदरकांड पाठन का वाचन करते हुए मृतक सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान न्यायिक कर्मचारी सुरेश बालोटिया, वरिष्ठ कर्मचारी सावरलाल वैष्णव, घनश्याम सिंह सारण, सुनील दग्दी, किशन गोपाल शर्मा, रणजीत सिंह, त्रिलोक सिंह, मंगल सिंह शेखावत, नारायण सिंह तथा सुमेर सिंह आदि शामिल थे। न्यायिक कर्मचारी सुरेश बालोटिया ने बताया कि जयपुर में न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की सीबीआई जांच को लेकर जयपुर में न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से विगत 12 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने सहायक न्यायिक कर्मचारी की मौत की सीबीआई जांच करवाने की मांग से सरकार को अवगत कराया। आंदोलन की आगामी रूपरेखा के सवाल पर बालोटिया ने बताया कि संघ के प्रदेश स्तरीय निर्णय पर आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। उधर न्यायिक कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर की गई एक दिवसीय हड़ताल का ब्यावर बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। इस दौरान बार एसोसिएशन के आह्वान पर सभी वकील साथियों ने एक दिवसीय कार्य का स्थगन रखकर न्यायिक कर्मचारियों का समर्थन किया। जयपुर में सहायक कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा की न्यायिक अधिकारी के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआई जांच को लेकर जयपुर के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से आंदोलन में हैं। उन्हीं के प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इसी क्रम में ब्यावर के भी समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। यदि कर्मचारी संघ की मांगे नहीं मानी जाती हैं और श्री सुभाष मेहरा के मौत की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई जाती है तो ये आंदोलन आगे और जारी रहेगा। न्यायिक कर्मचारी संघ के साथी सुभाष मेहरा जी की न्यायिक अधिकारी के आवास पर संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई जांच के मांग के लिए पूरे प्रदेश में राजस्थान में कर्मचारी संघ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और हम ब्यावर अभिभाषक संघ संस्था ने ब्यावर कर्मचारी न्यायिक कर्मचारी संघ के समर्थन में आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है और आगे भी जब तक इनकी जायज और वैध कानूनी मांग नहीं मानी जाती जब तक हम इनके साथ हैं।